सो लोकी का एक और धमाकेदार एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में फाइनली हमारे ह्यू रिमेंसलेस विक्टर टाइमली का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिला। और इस एपिसोड में तो इन्होंने विक्टर टाइमली के कैरेक्टर के सेटअप को काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल तरीके में दिखाया और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस एपिसोड में दिखाई गई। तो इस एपिसोड के बारे में शुरू से शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्वल के इंट्रो के साथ उसकी नई पियानो वाली थीम सुनने को मिली जो कि इस एपिसोड को 80s की म्यूजिक की वाइब देती है और ये एपिसोड भी उसी वाइब को आगे कंटिन्यू रखता है क्योंकि इस एपिसोड में हमें आगे दिखाया जाता है कि रवोना सेक्रेट टाइमलाइन के ऊपर 1868 शिकागो में पहुंच चुकी है और वहां पर वो मिस मिनट्स के ऑर्डर पर एक पैकेट को एक घर के खिड़की के अंदर गिरा देती है। और इसी सीन के बीच में हमें ओरिजिनल ह्यू रिमेंस का एक प्लान सुनने को मिलता है जिसके बारे में मिस मिनट्स बताती है कि उस पैकेट को उस घर में पहुँचाना ही ह्यू रिमेंस का प्लान था। जहाँ दूसरी तरफ हमें उस घर में दिखाया जाता है कि एक बच्चा आइसक्रीम बना रहा होता है और तभी उसे खिड़की के पास एक पैकेट दिखाई देता है और जैसे उस पैकेट को खोलता है उसके अंदर टीवी की गाइड बुक निकलती है। इसके बाद रवोना और मिस मिनट 1868 शिकागो से 1893 शिकागो में पहुंच जाती है और उन्हें ट्रैक करते करते लोकी और मोबिस भी उसके पीछे पीछे 1893 शिकागो में पहुंच जाते हैं जहां पर एक कार्निवल चल रहा होता है। अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो नीचे ब्रांच टाइमलाइन लिखा हुआ आता है जिससे ये पता चलता है कि रवोना ने उस बच्चे को जो गाइड बुक दी थी उसकी वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन बन चुकी है। इसका मतलब वो बच्चा अब एक वेरिएंट बन चुका है। आगे में बताया जाता है कि लोकी और मोबिस विक्टर टाइमली के शो पर पहुंच चुके हैं जहां पर विक्टर टाइमली अपने टेम्पोरल लूम के प्रोटोटाइप का एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। साथ ही उस शो पर रवोना और मिस मिनट्स भी होती है और इसी शो के दौरान हमें विक्टर टाइमली के बारे में कुछ जानने को मिलता है कि विक्टर टाइमली वही लड़का है जिसे रवोना ने गाइड बुक दी थी। इसे बोलने में परेशानी होती है और ये अटक अटक कर बोलता है और इसने गाइड बुक को पढ़कर टेम्पोरल लूम के प्रोटोटाइप को बना लिया है। साथ ही लोगों को मशीनों के प्रोटोटाइप बना बना कर बेच कर उनसे पैसे लूटता है। आगे में इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिल्वी भी लोकी और मोबिस को ट्रैक करके वहाँ पर पहुँच चुकी है और वो अब विक्टर टाइमली को मारना चाहती है और एक हद तक सिल्वी विक्टर टाइमली को मारने में कामयाब भी हो जाती है पर रवोना विक्टर टाइमली को बचा कर उसे वहाँ से ले जाती है। साथ ही इस एपिसोड में हमें आगे दिखाया जाता है कि रवोना विक्टर टाइमली के साथ उसे पसंद करने का नाटक करती है और मिस मिनट्स को ये पसंद नहीं आता और मिस मिनट्स को ये पसंद क्यों नहीं आता इसका जवाब हमें एपिसोड में आगे मिलता भी है। आगे रात को जब विक्टर और रवोना उस शिप पर होते हैं तो विक्टर मिस मिनट्स के साथ मिलकर रवोना को उस जहाज से नीचे फेंक देता है। आगे में एपिसोड में विक्टर टाइमली की सीक्रेट लैब दिखाई जाती है जिसके अंदर उसने बहुत सारे इन्वेंशन के प्रोटोटाइप बना लिए हैं। इसी बीच हमें यह भी दिखाया जाता है कि उसने गाइड बुक को भी मॉडिफाई किया है, उसने गाइड बुक के अंदर काफ़ी नई नई चीज़ें भी ऐड कर दी है। आगे में एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर मिस मिनट्स विक्टर टाइमली के ऊपर सिम्प करने का ट्राई करती है। मिस मिनट्स विक्टर टाइमली को बोलती है कि अगर विक्टर मिस मिनट्स को ह्यूमन फॉर्म दे दे तो वो साथ में मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे और इसी बात से डरकर विक्टर मिस मिनट्स को बंद कर देता है। और इसी के बाद रवोना वहाँ पे पहुँच जाती है जिसके हाथ में ब्रून स्टिक का प्रोटोटाइप होता है पर उसी के पीछे पीछे लोकी मोबिस और सिल्वी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सिल्वी फिर से विक्टर को मारने की ट्राई करती है पर विक्टर उसे बताता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने उसकी लाइफ बर्बाद की है बल्कि उसे भी गाइड बुक देकर उसके पास से भटकाया गया है। और सिल्वी और विक्टर की कहानी सेम होने के कारण सिल्वी उसे छोड़ देती है और लोकी और मोबिस विक्टर को लेकर टीवी के अंदर चले जाते हैं और पीछे सिल्वी रवोना को सिटाडेल में पहुंचा देती है जहां पर हमें ओरिजिनल ह्यू रिमेंस की बॉडी दिखाई जाती है जो कि इतने टाइम से वहां होने के कारण अब गलने लगी है। साथ ही मिस मिनट्स रवोना को एक सच्चाई और बताने वाली होती है पर वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कैंग और रवोना के बीच में क्या आता है यही बात मिस मिनट्स रवोना को बताने वाली है। बाकी एपिसोड तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और लोकी के एपिसोड्स के ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।